तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, ये एक चिड़िया का चित्र है, और आप लोग थोड़ी देर वीडियो पर रुकोगे तो ये ऑटोमेटिक से पिंजरे के अंदर चले जाने वाली है। तो भाई लोग ये इसे जादू मत समझ लेना, यहाँ पर मैं एक कमाल का इल्यूजियम क्रिएट करने वाला हूँ, जिसे आप लोग भी घर पर कर सकते हो और अपने भाई और अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। तो भाई लोग इसे बनाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कर देना, ऐसा ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, जिसे गत्ता भी बोला जाता है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक पेपर का पीस भी यूज करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं साफ पेपर का यूज किया हूँ, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है और इस पर बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। अब मैं क्या करता भाई, इस गत्ता को मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा पीस कट कर लेता हूँ, कुछ इस साइज का, आपको भी कट कर लेना है, और इसी साइज का मैं एक पेपर का पीस भी कट कर लेता हूँ, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं कट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता भाई, मैं यहाँ पे एक पेन का रिफिर का यूज करने वाला हूँ, और इस पेन का रिफिर को मैं इस बीचों बीच लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और चलो मैं इसे सभी को ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये कुछ इस प्रकार का लगता है भाई दिखने में, आपको भी कुछ ऐसा ही बनाना है, ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। अब है आपको यहाँ पर दो चित्र ड्राइंग करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक चिड़िए का और दूसरा है भाई एक पिंजरे का, और भाई लोग चिड़िया थोड़ा सा छोटा बनेगा ताकि भाई पिंजरे में फिट हो जाए, और भाई लोग इसका अपोजिट यहाँ पे आपको पिंजरा एक बनाना है, पिंजरा थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो चलो मैं जैसा बना तो आपको भी कुछ ऐसा ही बना लेना है। तो भाई लोग अब मैं यहाँ पे एक डीसी मोटर का यूज करने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक मोटर रहा, तो चलो मैं इस मोटर को भाई इस रिफिर में फिट कर देता हूँ। और भाई लोग जब ये हमारी पंखी नचेगी ना, तो भाई लोग आप लोग यहाँ पर देखना ये चिड़िया ना हमारे पिंजरे में आ जाने वाली है। तो चलो भाई अब आप लोग ही देखो यहाँ पर क्या होता है।